नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, पुलिस महकमे में मची खलबली। भागलपुर में देर रात से शुरू होगा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने संभाली सुरक्षा की कमान। अस्थायी तालाब में होगा मां काली प्रतिमा का विसर्जन, स्वच्छ गंगा को लेकर लिया गया है फैसला। चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। और कायस्थ समाज के लोगों ने धूमधाम से की भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की सुबह बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे नौगछिया पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने विसर्जन शोभा यात्रा के साथ आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। डीजीपी ने नौगछिया के सोनू राय हत्याकांड मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश एसपी को दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में कानून का राज स्थापित हो। बैठक में डीआईजी विकास वैभव, नौगछिया एसपी निधि रानी, बांका एसपी अरविंद गुप्ता, एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती मौजूद थे। इससे पूर्व सोमवार की रात डीजीपी विधि व्यवस्था की समीक्षा करने भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब, बालू, ड्रग्स का कारोबार करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। साथ ही माफियाओं से संबंध रखने वाले पुलिस पदाधिकारियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। बिहार में अभी तक साल भर के अंदर जितने भी होली, दशहरा, रामनवमी, बारात, ईद, मुहर्रम, जितने भी त्योहार हुए हैं, ऐतिहासिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। एक जगह थोड़ा सा पिछले दशहरा में लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, तुरंत उसको रोक लिया गया। काली पूजा का त्यौहार है तो मैं विधि व्यवस्था की समीक्षा करने आया था। इसके अलावा मैंने अधिकारियों को बताया, जितने भी थे, हमारे डीआईजी साहब थे, हमारे एसएसपी साहब थे, सब लोगों से मैंने यही कहा कि भाई अधिकारियों को बोलिए आम जनता के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, अपराधियों को लोग दौड़ाएँ। किसी भी आम आदमी के साथ कोई पुलिस पदाधिकारी दुर्व्यवहार करे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने ये बताया कि जुआ का धंधा, लॉटरी का धंधा, गेसी का धंधा, बालू का धंधा, जमीन का धंधा, इस तरह के अवैध कार्यों में अगर किसी पुलिसकर्मी की कोई संलिप्तता प्राप्त हुई, उसके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी कठोरतम कार्रवाई करें। भागलपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मां काली की पूजा अर्चना श्रद्धा एवं भक्ति भाव से की जा रही है। रविवार की रात मां काली की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। पूजा के दौरान शहर में हर जगह उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है तो कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मंगलवार को शहर के कई जगहों पर प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया है तो वहीं विसर्जन शोभा यात्रा के लिए 9 बजे रात्रि से स्टेशन चौक के समीप कतारबद्ध होकर विसर्जन के लिए आगे बढ़ेगी। वहीं जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से विसर्जन मार्ग पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विसर्जन शोभा यात्रा का नेतृत्व पर्वती की मां बुढ़िया काली करेगी। उसके पीछे शहर की 78 प्रतिमाएं कतारबद्ध होकर विसर्जन रूट में जाएगी। काली प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए गंगा घाट के समीप 4 अस्थायी तालाब का निर्माण कराया गया है। बुधवार को सभी प्रतिमाओं का विसर्जन इन्हीं अस्थायी तालाब में किया जाएगा। मंगलवार को नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने नव निर्मित तालाबों का जायजा लिया। वहीं तालाब में पानी को रोकने के लिए प्लास्टिक सीट बिछाया गया है। गौरतलब हो कि प्रतिमा विसर्जन के लिए मुसहरी घाट के अलावा बरारी पुल घाट, बूढ़ानाथ घाट और एसएम कॉलेज घाट के किनारे तालाब का निर्माण कराया गया है। भागलपुर की प्रसिद्ध काली पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एक ओर एनजीटी के आदेश पर राज्य सरकार ने गंगा में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा रखी है और इसके लिए प्रशासन को गंगा में प्रतिमा का विसर्जन रोकने के लिए विभिन्न गंगा घाटों पर नगर निगम द्वारा तालाब नुमा वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। लेकिन व्यवस्था का यह आलम है कि बूढ़ानाथ गंगा घाट पर प्रशासन द्वारा विकल्प की यह तस्वीर साफ तौर पर कुछ और ही बयां कर रही है। और बुधवार को इसी में
क्षेत्र की 17 प्रतिमाओं का विसर्जन वैकल्पिक तालाब में होना है। गंदगी का आलम यह है कि शहरवासियों द्वारा इसी तालाब में गंदगी फेंका जा रहा है और बच्चे इसी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को इसी घाट पर DM, SSP और तमाम अधिकारियों ने सफाई अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई थी और उस सफाई अभियान की ताजी तस्वीर आज कुछ और ही है। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को गोशाला परिसर में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व उपमहापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला ने पर्व त्यौहार को सामाजिक सद्भावना एवं समरसता के साथ मनाने की बात कही। और पुरातन काल से चला आ रहा है। हालांकि दीपावली को मनाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ और किंवदंतियाँ लागू हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि व्यापारियों का ही सबसे बड़ा पर्व है। आज इस दिवाली मिलन समारोह में सभी सदस्यों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आज हम ये दिवाली मिलन समारोह टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में गौशाला परिसर में मना रहे हैं और हमारी कामना है कि सभी के जीवन में प्रज्वलित दीप की जो ज्योति है वो वैसे ही जगमग करे। दिवाली के उपलक्ष्य में सभी व्यापारियों के आपसी उम्मीदों को बढ़ाने के लिए और नए साल जो व्यापारियों का नया साल दिवाली से ही हम लोग शुरुआत मानते हैं, उसी की ये नए साल की शुरुआत में दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। कलम के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। शहर में कई जगह पर प्रतिमा स्थापित कर कायस्थ समाज के लोगों ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कायस्थ जाति को उत्पन्न करने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म यम द्वितीया के दिन हुआ था। भगवान चित्रगुप्त को कलम का देवता माना जाता है और उसके पूजन से साहस, बल, शौर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दीपोत्सव के 5वें दिन मंगलवार को देश भर में भाई दूज का त्यौहार मनाया गया। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं शगुन के रूप में भाई बहन को उपहार भी भेंट करता है। भाई दूज के दिन ही मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने इसी दिन अपनी बहन यमुना से नौत लिया था। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने मंगलवार को बाराहाट प्रखंड के पंजवारा स्थित निर्माणाधीन घाट समेत विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया। मंत्री ने छठ महापर्व को लेकर हाई स्कूल घाट, पाकर गाछ घाट, सती मंदिर घाट में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने पूजा से पूर्व घाट पर रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था करने, साफ सफाई, बैरिकेडिंग करने का निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिया। मंत्री ने कहा कि
छठ पूजा के व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुविधाजनक घाट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मंत्री ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर जल्द निदान की बात कही। मौके पर SDO मनोज कुमार, VDO शशि भूषण साहू, भाजपा नेता रासमोहन ठाकुर, जदयू नेता निखिल बहादुर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान मंगलवार की रात से शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा मंगलवार की देर शाम निकाली जाएगी। बुधवार की मध्य रात्रि तक विसर्जन का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक सभी प्रतिमाओं का विसर्जन ना हो जाए तब तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विसर्जन जुलूस जिन इलाकों से निकल जाएगा उस इलाके की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए इंजीनियर और लाइनमैन की तैनाती विसर्जन रूट में की है। कहलगांव अनुमंडल के सिल्हन खजूरिया पंचायत के बेलडीहा गांव में डायरिया का कहर अब भी जारी है। गांव के ही फारूक आजम के दो बच्चे डायरिया की चपेट में आ गए हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सिल्हन गांव में डायरिया की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों के बीच हेलोजन टैबलेट का वितरण किया था। साथ ही सिल्हन गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया था। इसके बावजूद साफ सफाई के अभाव में लोग अब भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कहलगांव अनुमंडल के इकचारी पश्चिम टोला में स्थापित मां काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पर मां की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ठाकुरबाड़ी चौक के समीप प्रतिमा का मुकुट 11,000 वोल्ट की तार से सट गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार महिला समेत 4 लोग उसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर पहुंचे DGP गुप्तेश्वर पांडे ने विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, पुलिस महकमे में मची खलबली। भागलपुर में देर रात से शुरू होगा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने संभाली सुरक्षा की कमान। अस्थायी तालाब में होगा मां काली प्रतिमा का विसर्जन, स्वच्छ गंगा को लेकर लिया गया है फैसला। चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। और कायस्थ समाज के लोगों ने धूमधाम से की भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।